Welcome to my channel Codewood. This is the third video of the series of cloud computing, and in this video we are going to learn about service model. तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे different type of service model that are available in cloud computing. Okay, so let's get started. Now there are three type of service model is available in cloud computing. What they are? वो है Infrastructure as a Service, that is IaaS, Software as a Service, that is SaaS, and Platform as a Service, that is PaaS. Now, हम लोग इसके बारे में एक एक करके डिटेल में talk about Infrastructure as a Service, that is IaaS. Okay. Infrastructure as a Service में क्या होता है ये इस टाइप में जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड होता है तो वो हमारा जो ट्रेडिशनल स्टोरेज डेटा स्टोरेज सिस्टम है उनको एक रिप्लेस करते थे. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग मेमोरी एंड स्टोरेज. मतलब क्या है, मान लीजिए हमें एक डेटा स्टोर करवाना है तो अगर इफ़ वी गो फॉर आवर ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टम दैट इज आर हार्ड डिस्क आर मेमोरी आर पेन ड्राइव, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स क्या अभी तो स्टोरेज कितना स्टोरेज है, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उनका हार्डवेयर सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं. ये सब हम लोगों को सोचना है बिफोर स्टोरिंग आर डेटा ऑन दैट डिवाइस. ओके, बट क्लाउड कंप्यूटिंग में ये जो सर्विस है ये सर्विस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय दैट सर्विस प्रोवाइडर, वो आप हम लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस सब कुछ, सो दैट वी कैन नॉट वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स. वी जस्ट हमें सिर्फ एक हमारा जो डेटा है वो हमको स्टोर करवाना है स्टोरेज में, बस दैट्स ऑल. अगर मान लो डेफिनेटली स्टोरेज खत्म होगा ही होगा, अगर आप यू हैव टेकन 5 GB ऑफ स्टोरेज on a rent and you are trying to store 10 GB of data, so definitely there will be an error. In that case you can extend your storage capacity easily. So ye problem cloud computing mein nahi aata. What few characteristics? It is accessed via graphical user interface or an API. मतलब क्या है, हम लोग जैसे सिंगल यूजर और मल्टीपल यूजर, मतलब जो हम यूजर्स हैं उन लोगों को एक GUI बेस्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड दिया जाता है फ्रॉम दैट प्रोवाइडर, सो वी कैन एक्सेस और मॉडिफाई आर डेटा सो इजीली विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ब्लैक बॉक्स विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ एनी काइंड सॉर्ट ऑफ कोडिंग और स्टोरेज सिस्टम एक्सेट्रा. सो एज अ सर्विस रिसोर्सेज आर ऑफर्ड रिसोर्सेज आर ऑफर्ड मतलब क्या है, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होता हम लोगों को तो एज अ सर्विस दे लोग वो लोग प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नाउ द सर्विस आर एक्सट्रीमली स्केलेबल मतलब क्या है, मान लो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट यू कैन एक्सटेंड योर कैपेसिटी ईजिली. आई मीन डेफिनेटली यू नीड टू पे मोर, बट वी कैन एक्सटेंड आर store easily and without having any problem. Okay, and few examples of IaaS is Amazon Web Services. Have you heard about AWS? अगर आप लोगों को पता है what is AWS, please नीचे comment section में जरूर बताना. Okay, Amazon Web Services में वो IaaS provide करते हैं, वो उन लोगों ना एक user interface दे देते हैं हम लोगों को, I mean graphical user, तो वहाँ पे वी कैन एक्सेस दैट स्टोरेज इजीली विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम. माइक्रोसॉफ्ट अजूर एंड सो ऑन सर्विसेज. और सॉफ्टवेयर सर्विस मतलब क्या है, मान लो आपको एक होस्टिंग करवाना है. ठीक है, आप होस्टिंग करवाने के लिए आपको तो एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए ना, फॉर एडिटिंग फॉर मॉडिफाइंग योर इंटरफेस दैट ब्लॉग, तो वो जो एप्लीकेशंस होते हैं तो एडिटिंग वगैरह करने के लिए और कुछ भी चाहिए होता है तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं एज अ सर्विसेज. वो लोग मतलब जिन लोग आपको वो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब आवर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर. ओके, सो दिस इज द मेनली ऑफ मेन थिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज. मतलब क्या है, देखिए ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर इज अनदर टर्म फॉर SaaS.
तो ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर मतलब अगर आपको आप काम कर रहे हो, आपको सडनली एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ गई, तो आपको इंटरनेट में जाके वो सॉफ्टवेयर ढूंढ के डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। आप सिंपल एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और एवरीथिंग विल बी देयर बाय देयर ओन। तो वो लोग जो है प्रोवाइडर जो है वो सब आपको रेडीमेड ही सब कुछ दे देंगे, सो आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ओके, एंड इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर द एप्लीकेशंस आर होस्टेड बाय अ थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। मतलब क्या है, ये जो थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो लोग आपको एवरी एप्लीकेशंस दे देंगे ताकि आप फ्री में आराम से आपका होस्टिंग करवा सकते हो। नाउ लेट्स सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स। अपडेट्स टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजर्स, अपडेट्स आर डाउनलोडेबल एंड इंस्टॉल ऑटोमेटिकली। अब देखिए जो जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, एवरी सॉफ्टवेयर इज अपडेटेबल, आई मीन आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर सम टाइम्स इट नीड्स टू बी अपडेटेड इट्स बेटर वर्जन, आई मीन अपकमिंग वर्जन क्या क्या नया फीचर्स ऐड होंगे, तो ये सब अपडेट में होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उनका उसका जो अपडेट्स है उनको आप ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग यू डोंट नीड टू थिंक, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट एनीथिंग। वो जो सॉफ्टवेयर है वो खुद में ही आई मीन ऑटोमेटिकली इट डाउनलोड्स। ओके, सो यू डोंट नीड टू कंसर्न अबाउट दोज थिंग्स। यू आप जस्ट अपना जो मेन काम है लाइक बिजनेस लॉजिक है आपका, जो कुछ होस्टिंग वगैरह कुछ जो भी है, आप बस उनमें ध्यान दोगे, आपको इस सब में झमेलों में पड़ना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन अ पे एज यू गो बेसिस। मैं पहले वीडियो में ही बोल आई हैव टॉक दैट ये जो पे एज यू गो मतलब आपको जितना काम चाहिए होता, आपको जितना स्पेस चाहिए होता, आप उसी के लिए रेंट दोगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता तो आप एक्स्ट्रा के लिए रेंट दोगे। ऐसा नहीं कि ये एक पैकेज है और यू नीड टू पे फॉर दैट कंप्लीट एंटायर पैकेज, दिस इज नॉट लाइक दैट। आपको जितना काम चाहिए होता, जितना स्टोरेज चाहिए होता, आप सिर्फ उसी के लिए पेमेंट करोगे। ओके, नेक्स्ट इज इट इज ऑब्टेनेबल और एक्सेसिबल, सॉरी इट इज ऑब्टेनेबल एंड एक्सेसिबल वाय द इंटरनेट। बस आपको इसको एक्सेस करने के लिए यू शुड हैव प्रॉपर कनेक्शन, ओके, इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स ऑल। एंड दिस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम अ सेंट्रल सर्वर। आप जो लोग प्रोवाइडर होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, तो वो उन लोगों के पास एक सेंटर डेफिनेटली दे मस्ट हैव अ सेंटर, दे मस्ट हैव अ सर्वर टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज टू द यूजर्स। तो दैट इज कंट्रोल, मतलब इनका जो अपडेटेशन है और जो भी है, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दोज थिंग्स। उनका ये उनका झमेला है, वो लोग कर लेंगे। And few examples are Google Apps, Cisco WebEx, Salesforce। Google का जो apps होते हैं like our Drive होते हैं, Gmail ही होता है, ये सब बोलो ये that falls under SaaS। Okay, as a service that is PaaS, the ये mainly ये जो इस type का जो service है, this is mainly for programmer, this is mainly for developers, this is not for I mean the single users or like users, not generally we use that, this is not for users. So the PaaS cloud computing platform is designed to help programmers create, test, execute and manage applications. Achha, jo log programming karte hai, jo log developer hote hai like us, so वो लोग लाइक आपने देखा होगा अपने सी प्रोग्रामिंग और जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको तो वी यूज सॉफ्टवेयर, बट देयर आर सो मेनी ऑनलाइन टूल्स आर देयर जो आई मीन ऑनलाइन में लाइक बहुत सारे हैं जहाँ पे हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। आई मीन वी डोंट नीड टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर, वी डोंट नीड टू डाउनलोड एनीथिंग टू टेस्ट टू चेक आर प्रोग्राम्स। सो बहुत सारे वहाँ पर टूल्स होते हैं ऑनलाइन पे, सो दैट फॉल्स अंडर PaaS, मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज।
this is mainly for programmer, those who are having programming knowledge. So this is it. And characteristics में बारे में बात करेंगे तो multiple languages and frameworks are supported. Definitely, अगर मान लो मुझे एक programming करनी है, मुझे एक website बनवाना है, तो मैं क्या थोड़ी एक एक तो सिंगल लैंग्वेज में नहीं काम कर सकती ना मैं. मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होता, मुझे एक फ्रेमवर्क चाहिए होता, मुझे डेटाबेस के कनेक्शन के लिए वो बैकएंड की फ्रेमवर्क भी चाहिए होता. तो सब कुछ वहाँ पे ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर देते हैं. और ये जो है ये कुछ कुछ में फ्री भी होता है, कुछ आई मीन आपको जो अपडेटेड वर्जन चाहिए होता तो वो यू कैन गो फॉर पेड वर्जन ऑल्सो. सो मैनी आर देयर. So that is mainly for programmer or developer. And various people can access the same development applications. मान लो एक software है, Google में tools है. Just I'm taking an example. I'm not just it's a casual take a name. That is XYZ. So that XYZ tools that can be accessed by so many people, so many programmers at a single time even also. So there won't be any problem. So this is all about characteristics. Now let's take a few example. That is Windows Azure. Windows का Azure जो services है वो that falls under PaaS. Google App Engine है, AWS के Elastic Beanstalk है, ये सब that falls under PaaS. So this is all about platform as a service. So thanks for watching. If you have any doubt or if you have any question regarding the concept that has been taught in the video, please feel free to ask in the comment section. So and I will reach you soon. And if you want me to deliver more such content, then please do like, share, subscribe my channel. That's Codeword. Thank you.